देखेगा, अरे गाड़ी को खींचता हुआ ये देखेगा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये आस्था का प्रतीक किस प्रकार से जो है एक और गाड़ी को खींचते हैं यहाँ पर, ये देखे श्रद्धालु, और यहाँ पर ये देखे पीठ में, और ये गाड़ी को खींचते हुए माँ शीतला के प्रति जो है आस्था का प्रतीक शीतला देवी के प्रति उनकी पूजा की जाती है। और रात को जो है अग्नि में से निकला जाता है, नंगे पैर जो है अग्नि में से निकला जाता है, जो कि एक माँ के प्रति आस्था का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। और ये देखिएगा उसी आस्था का एक प्रतीक जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक श्रद्धालु जो है उनके गले के अंदर जो है त्रिशूल डाले हुए। और इसी के साथ साथ हम आपको दूसरी ओर लेकर के चलते हैं, जहाँ पर इनकी पीठ में जो है ये छेदा गया है, और उस पीठ के अंदर भी जो है त्रिशूल को यहाँ पर बिल्कुल लगाया गया है, जो एक विश्वास और आस्था का प्रतीक। इसी के साथ साथ इनके साथ साथ जो पीछे और भी श्रद्धालु हैं, देखिए लगातार हमारे साथ आप बने रहेगा। गाल के अंदर जो है ये माता शीतला देवी के प्रति जो है ये आस्था का प्रतीक। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा, इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपको हमें बता दें कि ये जो है त्रिशूल, जी हाँ, माता शीतला देवी के प्रति जो है ये आस्था का प्रतीक। और ये देखेगा इतनी भीषण गर्मी के अंदर भी किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये मद्रासी समाज के लोग जो है माँ शीतला देवी के प्रति, ये देखेगा मौके पर इस समय हमारे पास जो है ये मौजूद हमारे रामनगर में हमारी मद्रासी बस्ती से हमारे भाई सभी, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्होंने महामाई की शोभा यात्रा देखी। आप इनकी आस्था कितनी बड़ी आस्था है इनकी, पिछले 50 सालों से लगातार ये ऐसे ही माता रानी की पूजा करके और अपने मुंह को छिद्र करवाकर उसमें सरिया डालकर और त्रिशूल डालकर और उसके बाद कमर में मांस को भींच कर अग्नि में चलकर और उस इस तरह वो आहुति डालते हैं महामाई की पूजा में। आज ये शोभा यात्रा के जो निकाली जा रही है माता शीतला रानी के आशीर्वाद से, मैं ये शोभा यात्रा उनके आशीर्वाद से इनको शक्ति दी है माता रानी ने। पिछले कितने सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है, आज के इसके कार्यक्रम में हमारे मेन मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी के सपुत्र चांद भाटिया जी आज यहाँ पहुँचे हैं हम सबके बीच में, हमें अपना प्यार और इनको अपना आशीर्वाद देने। मैं परमपिता परमात्मा से माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, इनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि इनकी आस्था को ऐसे ही बनाए रखे और ऐसे ही ये महामाई के भक्त महामाई का नाम लेते हुए उनकी कृपा महामाई के हमेशा उनके ऊपर बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करूंगा। ये देखने में ही बहुत अद्भुत है कि इनकी भावना कितनी अच्छी है, माता का आशीर्वाद लेने के लिए, माँ शीतला माता का आशीर्वाद लेने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, सारी बुराइयों को दूर करने के लिए सारी कम्युनिटी मिलके, मद्रासी कम्युनिटी मिलके अद्भुत जो भेंट करती है ये, अपने चाहे शरीर का हो, अंगारों पे चलने का हो, ये बहुत ही शुद्ध और बहुत ही देखने में अद्भुत है। तो यहाँ आके इन्होंने इतना मान सम्मान दिया और अपना समझ के, परिवार का समझ के हमें अपनाया है यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। हर साल ये मनाते हैं यहाँ पर, मुझे खुशी है कि आज मैं इसका हिस्सा बन पाया और आपने भी इसको अपनी जनता को सबको दिखाते हो, आपका भी बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। मैं इतना अद्भुत फील कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी रुक के इनकी अंगारों पे जो चलेंगे नंगे पांव, 100 से 150 आदमी रात को अंगारे पे चलेंगे, ये बहुत ही अद्भुत चीज है जो हमने यहाँ देखने में मिलती है। रोमांचित है इस समय, बिल्कुल बिल्कुल, मन बिल्कुल रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं और मन इतना प्रसन्न कर रहे हैं कि यहाँ पर ही रहेंगे, इनके बीच में रहेंगे। ये हमारे साथ ये पूजा 4 दिन की होती है इनकी, जैसे इस वर्ष ये पूजा 1 अगस्त से शुरू हुई, पहले दिन इन द्वारा सब मिलकर माता रानी का जागरण किया गया सारी रात का, 2 दिन फिर पूजा की गई, आज फिर अब ये शोभा यात्रा माता रानी जी की निकाली जा रही है। इसके बाद रात को 8 बजे ये सभी लोग कम से कम 15 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा खड्डा बनाया गया है, जिसमें लकड़ी और अंगारे कोयले के ऊपर ये रात को सब कम से कम इनके समाज के सभी लोग रात को नंगे पैर चल के माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। मैं माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, इनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। और मैं चांद भाटिया जी का यहाँ पहुँचने पर, हमारे मंडल में पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और ऐसे ही इनका प्यार इनके ऊपर बना रहे। इनका एक इनकी तरफ से एक
इनकी तरफ से इनका जो मंदिर है शीतला माता जी का, उसका गुंबद बनवाने के लिए इनकी तरफ से एक चांद जी को बोला गया है। तो ये भी हम अपने सांसद जी से कह के जल्दी ही उसको बनवाएंगे। मैं यही आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों में ये कहना है कि आप यहाँ नहीं आते। अच्छा, वो लोगों को यही लगता है कि यहाँ नहीं आते, जब जो हमें जहाँ बुलाते हैं हम वहाँ पहुँचने के प्रयास करते हैं। लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इतने प्यार से इन्होंने बुलाया, जब जब ये बुलाएंगे इनकी एक आवाज पे हम यहाँ खड़े हो पाएंगे, इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ। अभी समाज के लोगों ने यहाँ कहा है कि मंदिर के निर्माण के लिए धन राशि की जरूरत होती है, तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सांसद निधि जो होती है वो हमारी नहीं है, वो इनका पैसा ही है सबका, समाज का पैसा समाज में बढ़ना चाहिए। तो जो भी ये अपनी बात रखेंगे, जो भी निर्माण करेगा काम बताएंगे, आप जरूर सांसद निधि तक पहुँचा के उसको जरूर अवश्य पूरा करवाएंगे। आपको लेकर के चलते हैं कि किस प्रकार से जो है माँ के प्रति यहाँ श्रद्धा, और ये देखेगा लगातार आप हमारे साथ यहाँ बने रहेगा, फिर हम आपको दोबारा दिखा दें। कमर में जो है हुक बंदी लगी हुई है, जो मांस में छिदी हुई है, और ये देखेगा, अरे गाड़ी को खींचता हुआ ये देखेगा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये आस्था का प्रतीक किस प्रकार से जो है एक और गाड़ी को खींचते हैं यहाँ पर, ये देखेगा श्रद्धालु, और यहाँ पर ये देखेगा पीठ में, और ये गाड़ी को खींचते हुए माँ शीतला के प्रति जो है आस्था का प्रतीक, श्रद्धा का प्रतीक। लगातार आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहेगा।